नमस्कार, मैं हूं उत्तम पांडे और आप देख रहे हैं एजेड न्यूज। बाराबंकी जनपद के पायनियर इंटर कॉलेज में मिशन शक्ति के तहत सीओ बीनू सिंह ने बालिकाओं को जागरूक किया। आपको बता दें कि महिलाओं को जागरूक करने के लिए हर थाने की महिला पुलिस अपना पूरा सहयोग दे रही हैं। गांव में जाकर महिलाओं और पुरुषों को उनके उत्तरदायित्व और कर्तव्य के बारे में बता रही हैं। तो वहीं बाराबंकी पायनियर इंटर कॉलेज पहुंची सीओ डॉक्टर बीनू सिंह ने सभी स्कूली बच्चों को मिशन शक्ति के बारे में बताया और कहा कि किसी प्रकार की कोई परेशानी या कोई परेशान कर रहा हो तो इसकी जानकारी तुरंत 112 पर दें, क्योंकि पुलिस हमेशा आपके सहयोग के लिए तत्पर रहेगी। इसी क्रम में सीओ बीनू सिंह ने माता सरस्वती के फोटो पर माला चढ़ाते हुए सभी बच्चों के भविष्य के लिए और पढ़ाई के लिए कामना की, जिसमें स्कूल के प्रबंधक, प्रिंसिपल, कोतवाल संजय मौर्य भी शामिल रहे। बाराबंकी जनपद के थाना मसौली के अंतर्गत ग्राम पंचायत अमदाहा के प्रधान प्रतिनिधि ने किसानों को हरिजन एक्ट लगाने की धमकी दे दी। आपको बता दें कि थाना मसौली के ग्राम पंचायत अमदाहा में प्रधान अपनी दबंगाई दिखाकर पीड़ित किसानों को परेशान कर रहे हैं। पीड़ित किसानों का आरोप है कि हमारे खेत में चकमार्ग प्रधान प्रतिनिधि द्वारा पटाया जा रहा है, जिस पर हम सभी लोगों ने रोक लगा दी। खेत में लगे धान की फसल को कोई भी हानि न हो, इसके लिए हम सभी ने प्रधान से बात की तो प्रधान ने हरिजन एक्ट लगाने की धमकी दे डाली। अमदाहा के प्रधान इस हद तक गुजर गए कि उन्होंने प्रार्थना पत्र मसौली थाने में देकर पीड़ित किसानों पर ही उल्टा आरोप लगा दिया। लिखित प्रार्थना पत्र में प्रधान ने आरोप लगाया है कि किसान उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जबकि किसानों का कहना है कि ऐसी कोई भी घटना नहीं घटी जो प्रधान सिद्ध कर सकें, बल्कि प्रधान बलजीत कुमार गौतम खुद मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं।